नमस्कार दोस्तों, राघव आर चैनल आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पे रियलमी के डिवाइस पे बैटरी ड्रेनिंग वाले इशू को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में। यहाँ पर दोस्तों ये जो वीडियो है ये बेसिकली ये पार्ट थ्री वाला वीडियो, इससे पहले भी मैंने दो वीडियो को बना के रखा है, तो अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पार्ट वन और पार्ट टू दोनों ही वीडियोज़ को आप जाके चेकआउट करना, क्योंकि उन दोनों वीडियोज़ में भी मैंने बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट बात बताया है जिनको अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपकी जो बैटरी ड्रेनिंग वाला इशू है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। पार्ट वन में जो बताया था उसको करोगे तो 100% सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपकी जो बैटरी ड्रेनिंग वाला इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो पार्ट टू वाला वीडियो था वहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि हमारे फ़ोन में बहुत सारे ऑप्शन शो नहीं कर रहे, जैसे कि क्विक फ्रीज हो गया या फिर स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन हो गया। तो ऐसे ही अलग अलग डिवाइस में भैया कुछ कुछ ऑप्शन शो नहीं कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं अलग अलग फ़ोन्स में रियलमी यूआई के जो वर्जन है वो भी अलग अलग होते हैं। तो अगर आपके फोन में ऑप्शन शो नहीं कर रहे जैसे कि क्विक फ्रीज हो गया या फिर स्क्रीन ऑफ मतलब स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन वाला ऑप्शन हो गया, तो थोड़ा सा वेट करो, आपको आगे आने वाले अपडेट के जरिए वो सारे ऑप्शन मिल जाएगा। और उस वीडियो में मैंने आपको एक बोनस टिप भी दिया था एकदम लास्ट में, तो अगर आपके फोन में क्विक फ्रीज वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मैंने जो बोनस टिप बताया था उसको जाके यूज करो, क्योंकि बोनस टिप को अगर आप यूज करोगे तो वो भी एज अ ऑल्टरनेटिव काम करेगा क्विक फ्रीज का। अभी आप दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर नंबर वन है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। अब इसको करने के लिए आपको जाना होगा अपने फोन के सेटिंग में, उसके बाद में आपको जाना है अबाउट फोन पे। अब अबाउट फोन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एक वर्जन वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा बिल्ड नंबर। अब बिल्ड नंबर के ऊपर आपको बहुत बार टैप करना है, ठीक है, 7 times टैप करोगे तो आपके सामने आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर आपके फोन में पासवर्ड वगैरह का प्रोटेक्शन है तो उसको आप दे दो, उसके बाद आप बन जाओगे एक डेवलपर। उसके बाद दोस्तों आपको बैक जाना है और आपको जाना होगा एडिशनल सेटिंग्स में, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों आपको जाना है एकदम नीचे मतलब बहुत नीचे चले आओ, उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना तो आपको यहाँ पे मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट करके एक ऑप्शन, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप के ऑप्शंस आएंगे। अभी आपको यहाँ पे क्लिक करना है एट मोस्ट 4 प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। अब इसको अगर आप करोगे तो 4 से ज्यादा एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन होगा ही नहीं, तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे एट मोस्ट 3 प्रोसेस के साथ में जाओ या फिर एट मोस्ट 4 प्रोसेस के साथ में जाओ, क्योंकि अगर आप एट मोस्ट 2 या फिर 1 पे जाओगे तो फोन जो है थोड़ा बहुत लैग हो सकता है, मतलब फोन में थोड़ा बहुत हैंग वैंग हो सकता है या फिर लैग हो सकता है, स्टक वगैरह भी हो सकता है। तो 3 या फिर 4 इन दोनों में से कुछ चूज करो, और अगर आप मल्टी डेस्किंग बहुत ज्यादा करते हो तो स्टैंडर्ड लिमिट पे ही रखो, क्योंकि अगर आप एटमोस्ट 4 या फिर 3 करोगे ना तो मल्टी डेस्किंग काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि यार जो रियलमी यूआई है ना ये अपने आप ही एप्स को किल करता रहेगा बैकग्राउंड में, ठीक है। तो इसलिए अगर आप मल्टी डेस्किंग ज्यादा करते हो तो इस ऑप्शन को मत ही यूज करो। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 मतलब सेकेंड पॉइंट की, तो वो यहाँ पे डिसेबल सम सिस्टम एप्स। अब इसको करने के लिए आपको जाना होगा सबसे पहले अपने फोन के सेटिंग में, उसके बाद में ऐप मैनेजमेंट पे, फिर आपको जाना है ऐप लिस्ट पे। देखो कलरओएस 6 में थोड़े बहुत ऑप्शंस अलग हो सकते हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रियलमी यूआई दिखा रहा हूँ, लेकिन कलरओएस 6 में और कलरओएस 5.2 या फिर 5.1 में ऑप्शन थोड़े बहुत इधर उधर हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से ढूंढ लेना, लेकिन आपको ऑप्शन कहीं ना कहीं मिलेगा तो जरूर, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे ऐप लिस्ट पे आने के बाद में ऊपर 2 नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे उसके बाद में शो सिस्टम कर दोगे, फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है फेसबुक, ठीक है, फेसबुक आपको ऐसे सर्च करना है, देखो उसके बाद आपके सामने 3 एप्लीकेशंस आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये जो 3 एप्लीकेशंस है ना, फेसबुक ऐप इंस्टॉलर, फेसबुक ऐप मैनेजर और फेसबुक सर्विसेज, इनको आपको करना है डिसेबल, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, अभी आपको करना है सिंपल सा डिसेबल के ऊपर क्लिक, उसके बाद में डिसेबल ऐप कर दो, फिर स्टोरेज यूसेज में जाके क्लियर डेटा कर दो। आपको तीनों ऐप्स के साथ में यही करना है। ये जो 3 ऐप्स है ना ये बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा रन करते हैं, ठीक है, फेसबुक ऐप इंस्टॉलर, फेसबुक ऐप मैनेजर और फेसबुक सर्विसेज बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में रन करते हैं, तो इस वजह से भी बैटरी ड्रेन होता है। तो इन तीनों एप्लीकेशन को करना है डिसेबल, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पर बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की, तो वो यहाँ पे डोंट यूज ऐप मार्केट एंड गेम सेंटर। देखो भाई, ऐप्स और गेम्स को डाउनलोड करने के लिए हमारे पास है गूगल प्ले स्टोर, जो कि काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स और गेम्स हमारे मतलब अवेलेबल है, ठीक है, जो अच्छा है आप डाउनलोड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो ऐप मार्केट और गेम सेंटर है ना, ये बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा चलते हैं और ज़्यादा बैटरी लेता भी है, तो आप इनको अनइंस्टॉल तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम ऐप है,
फिर भी अगर आपको इनको अनइंस्टॉल करना है तो पार्ट वन वाला वीडियो जाके देखो, वहाँ पे मैंने बताया कि किसी भी सिस्टम में आपको अनइंस्टॉल कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकल भी दिखाया, ठीक है। तो उस वीडियो को जाकर जरूर से देखना, ऊपर आई बटन में भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। लेकिन अगर आपको वो सब हेडेक नहीं लेना और आप चाहते हो कि भैया सिंपल सा जो है गेम सेंटर और ऐप मार्केट बैकग्राउंड में रन ना करे, तो आपको करना है देखो, सबसे पहले गेम सेंटर या फिर ऐप मार्केट के आप एप्लीकेशन इन्फो में चले जाओ। उसके बाद सबसे पहले आपको करना है फोर स्टॉप, फिर आप ऊपर टू डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको मिलेगा अनइंस्टॉल अपडेट्स, उस पर क्लिक कर दो और आपके पास जो सिस्टम का वर्जन है, मतलब जो भी आपके पास डिफॉल्ट वर्जन है वो आ जाएगा। फिर आपको वापस से जाना है गेम सेंटर या फिर ऐप मार्केट के ऐप इन्फो पे, फिर आपको यहाँ पे करना है फोर स्टॉप, उसके बाद में आप यहाँ पे वापस आओ स्टोरेज यूसेज पे और यहाँ पे कर दो क्लियर डेटा। अब क्लियर डेटा करने के बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा डेटा यूसेज स्टेटस, इस पर क्लिक करोगे फिर आपके सामने यहाँ पे इस तरीके के कुछ ऑप्शंस आएंगे। अभी यहाँ पे आपको करना क्या है मैं आपको दे देखो, सबसे पहले बैकग्राउंड डेटा को ऑफ कर दो और डिसेबल वाईफाई और डिसेबल सेलुलर डेटा को ऑन कर दो, ठीक है। इससे होगा क्या कि भैया पहली बात तो बैकग्राउंड में कोई डेटा वगैरह एक्सेस नहीं कर पाएगा जो भी इंटरनेट कनेक्शन है, और साथ में जो सेलुलर डेटा है और जो वाईफाई है वो भी डिसेबल रहेगा इस ऐप के लिए, पर्टिकुलर इसी ऐप के लिए। और यहाँ पे आपको जाना है इसके बाद मैनेज नोटिफिकेशंस पे और इसको कर देना है ऑफ। इसके बाद जो ये एप्लीकेशन है ये बैकग्राउंड में कभी भी रन नहीं करेगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इसके बाद नंबर फोर वाले पॉइंट की, तो वो यहाँ पे है यूज़ ग्रीनिफाई, ठीक है। अभी देखो ग्रीनिफाई उन लोगों को यूज़ करना चाहिए जिन लोगों के फ़ोन में ऐप क्विक फ्रीज वाला ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन के सेटिंग में चले जाओ, उसके बाद में बैटरी वाले ऑप्शन में जाके आप सबसे पहले चेक करो कि यहाँ पे ऐप क्विक फ्रीज वाला ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं है। मैं इस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, अगर ऐप क्विक फ्रीज वाला ऑप्शन है तो ग्रीनिफाई को यूज़ करने की कोई सेंस नहीं बनता। आप इसी ऑप्शन के जरिए वो सभी काम कर सकते हो जो भी ये ग्रीनिफाई करता है, ठीक है। तो ऐप क्विक फ्रीज को कैसे यूज़ करना है अगर आपको ये जानना है तो पार्ट टू वाला वीडियो को जाकर देखो, इसका लिंक आपको मिल जाएगा ऑब्वियसली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। अभी बात करते हैं ग्रीनिफाई को कैसे यूज़ करना है वो, तो सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर से जाके ग्रीनिफाई ऐप को डाउनलोड कर लो, इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले ग्रीनिफाई ऐप को डाउनलोड कर लो, उसके बाद में इसको ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है माई डिवाइस इज नॉट रूटेड। अगर आपके फोन में रूट एक्सेस है तो आप सिलेक्ट करना माई डिवाइस इज रूटेड पे, और अगर आपके पास में रूट एक्सेस नहीं है तो माई डिवाइस इज नॉट रूटेड पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर, फिर आपके सामने यहाँ पे रेडी भी आ सकता है या फिर कुछ ग्रांट परमिशन का ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। तो ग्रांट परमिशन का ऑप्शन अगर आ रहा है तो उस पर क्लिक करके ग्रीनिफाई पे क्लिक करो, उसके बाद में वहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है उसको बस ऑन कर दो, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है तो सिंपल सा फिनिश करो। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, फिर जाना है सेटिंग के ऊपर और यहाँ पे आपको जाना है स्मार्ट हाइब्रिडेशन के ऊपर, ठीक है। अगर आपके सामने ये वाला ऑप्शन जो है ऑफ आ रहा है तो इसको आपको करना है ऑन, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे पास ये ऑप्शन जो है ऑन आ रहा है तो दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं, लेकिन अगर आपके फोन में ऑफ आ रहा है तो इसको आप सिंपल सा ऑन कर दो। अभी यहाँ पे आपको इसके बाद करना है ऑलवेज इग्नोर बैकग्राउंड फी, इसके ऊपर चेक मार्क लगाओ और साथ में यहाँ पे ऑटोमेटिक हाइब्रिडेशन के ऊपर क्लिक करो, उसके बाद में एक्सेसिबिलिटी सर्विस को ऑन कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा एक्सेसिबिलिटी सर्विस, इसको आपको बस क्लिक करके ऑन कर देना, मतलब ओके कर देना है, उसके बाद जो ग्रीनिफाई है वो सक्सेसफुली ऑन हो जाएगा। अभी आपको करना है नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, फिर फिनिश। अभी जो ग्रीनिफाई के सेटिंग्स है वो तो खत्म हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे करना क्या है देखो, मैं आपको बताता हूँ। प्लस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। प्लस के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद में शो मोर एप्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितने भी एप्स आ रहे हैं ना सबके ऊपर यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लो, गेम स्पेस को बस सिलेक्ट मत करना, उसके अलावा जितने भी एप्स है सबके ऊपर सिलेक्ट करो और यहाँ पे आप ये राइट के ऊपर क्लिक कर दो। एक बात का ध्यान में रखना कि अगर आप व्हाट्सएप या फिर फेसबुक वगैरह यूज़ करते हो तो फेसबुक या फिर व्हाट्सएप जो भी यूज़ करते हो वो अपने आप ही फोर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी नए मैसेजेस है या फिर जो भी नए नोटिफिकेशन है वो आपको नहीं मिलेगा, तो इस बात का ध्यान में रखना। तो अगर आपके व्हाट्सएप में या फिर फेसबुक में काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं या फिर मैसेज वगैरह आते हैं तो व्हाट्सएप और फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम ट्विटर इन सबको सिलेक्ट मत करो। इसके अलावा जो भी एप्लीकेशन है उसको आप सिलेक्ट करके जेड जेड के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक फोर स्टॉप हो जाएगा सबके सब एप्लीकेशन, ठीक है। फिलहाल मेरे यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार। चलो इसको ऑन करते इजी वॉइस रिकॉर्डर को और जाते वापस से अपने ग्रीनिफाई ऐप पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो इजी वॉइस रिकॉर्डर आ चुका है। अगर मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूँगा जेड 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 पे तो जो इजी वॉइस रिकॉर्डर है वो अपने आप ही फोर स्टॉप हो जाएगा। तो जितने भी ऐप्स है वो अपने आप ही फोर स्टॉप हो जाएगा एक सिंगल क्लिक में। और जब भी आप अपने फ़ोन को ऑफ कर दोगे, मतलब पावर बटन को प्रेस करके जब
लॉक कर दोगे तो उस टाइम पे भी बैकग्राउंड में जो भी एप्स रन कर रहे हैं वो सब अपने आप ही फोर्स स्टॉप हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, कोई भी एप्लीकेशन जो है बैकग्राउंड में रन ही नहीं करेगा, सबके साथ फोर्स स्टॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे बैटरी जो है वो काफी हद तक बच जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट की, तो वो यहाँ पे चेंज सम सेटिंग्स। अब नंबर 5 पॉइंट के अंदर भी मैंने काफी सारे पॉइंट बना के रखा है, तो चेंज सम सेटिंग के अंदर सबसे पहले आता है नंबर 1 साउंड एंड वाइब्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप चले जाओ अपने फोन के सेटिंग में, उसके बाद में साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे जाके आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिस्टम फीडबैक। अब सिस्टम फीडबैक के अंदर ना काफी सारे ऐसे मतलब साउंड्स होते हैं जो कि भैया किसी काम के होते नहीं है, तो इनको भैया आप ऑफ कर दो ताकि आपका जो बैटरी है वो काफी हद तक बच जाए। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑन करके रखा है वाइब्रेट ऑन टच, बाकी जितने भी ऑप्शन है मैंने उनको ऑफ करके रखा है, चाहे डायल पैड टोन हो, टच साउंड हो, लॉक स्क्रीन टोन हो, स्क्रीन शॉट साउंड हो या फिर डिलीट वाला साउंड हो, तो उनको आप ऑफ कर दो। सिर्फ वाइब्रेट ऑन टच अगर आप यूज करते हो तो इसको ऑन रखो, मुझे काफी पसंद ये वाला ऑप्शन तो मैंने इसको ऑन रखा, बाकी जितने भी ऑप्शन है मैंने उनको करके रखा है ऑफ। ठीक है, इसके बाद आते हैं नंबर दूसरे पॉइंट पे, तो वो यहाँ पे ड्यूअल चैनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी इसको ऑफ करने के लिए आपको जाना होगा अपने फोन के सेटिंग में, उसके बाद में जाना है वाईफाई के अंदर, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा ड्यूअल चैनल एक्सेलरेशन। कहाँ पे चला गया यार मैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ड्यूअल चैनल एक्सेलरेशन, ये बेसिकली ऑन रहता है तो आपको इसको करना है सिंपल सा ऑफ इस तरीके से। ठीक है, इसको ऑफ कर दो, उसके बाद भैया जो बैटरी है वो काफी हद तक बच जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की, तो वो यहाँ पे वाईफाई एडवांस सेटिंग्स स्कैनिंग ऑलवेज अवेलेबल को ऑफ करना। ठीक है, अभी इसके लिए आपको जाना होगा अपने फोन के सेटिंग में, उसके बाद इसी पेज पे आना है जो कि वाईफाई, उसके बाद आपको नीचे मिलेगा एडवांस सेटिंग्स का एक ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है स्कैनिंग ऑलवेज अवेलेबल ये ऑन रहेगा, इसको आपको करना है बंद। ठीक है, इसको ऑफ कर दो, उसके बाद भी आपकी जो बैटरी है वो काफी हद तक बच जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इसके बाद नंबर 4 की, तो वो यहाँ पे ओके गूगल को ऑफ करना। अभी ओके गूगल को ऑफ करने के लिए आपको जाना होगा अपने फोन के गूगल ऐप में, उसके बाद मोर पे, फिर सेटिंग्स में, फिर वॉइस पे, फिर आपको जाना है यहाँ पे वॉइस मैच पे, और यहाँ पे जो है गूगल है ना इसको बस ऑफ कर देना है, और नीचे आपको मिलेगा वाइल ड्राइविंग तो इसको भी आपको ऑफ कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो ओके गूगल वाला मतलब है ना आता है ना नीचे से वो बंद हो जाएगा, तो इससे भी बैटरी जो है काफी हद तक बच जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, तो वो यहाँ पे है लोकेशन कंट्रोल। ठीक है, अभी लोकेशन कंट्रोल को ऑफ करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपने फ़ोन के सेटिंग में, उसके बाद में लोकेशंस पे, और अगर आप लोकेशन को यूज़ ही नहीं करते तो इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप गूगल मैप्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो और काम मिले तो लोकेशन को, तो आप सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग में जाओ, उसके बाद में लोकेशन में जाओ, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग, इस पर क्लिक करके ये वाला ऑप्शन ना ऑन रहता है। ठीक है, इसको ऑफ कर देना है, इसको ऑफ कर दोगे तो जो बैटरी है वो काफ़ी हद तक बच जाएगा। और मैं आपको बताऊँ जो कलरवे 6 है ना, मतलब अभी फिलहाल तो मैं रियल में यूआई का दिखा रहा हूँ, लेकिन कलरवे 6 में थोड़ा सा अलग है, आपको वहाँ पे लोकेशन के अंदर 3 ऑप्शन मिलेगा, हाई एक्यूरेसी, बैटरी सेविंग वाला मतलब लो पावर कंजम्पशन, और शायद से एक डिवाइस ओनली वाला ऑप्शन होता है, तो आपको वहाँ पे लो पावर कंजम्पशन में क्लिक करना है। अगर आप लोकेशन को काम में लेते हो तो आप लो पावर कंजम्पशन के साथ जा सकते हो, और अगर आप लोकेशन को काम में ही नहीं लेते तो भैया उस लोकेशन को ही ऑफ करके रखो तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों यार जो भी मैंने आपको बताया, अगर इन सबको आप कंबाइन करके यूज़ करते हो, और जो मैंने पार्ट 2 वीडियो में बताया था उसको भी साथ में कंबाइन करके यूज़ करते हो, जो बैटरी ड्रेन है ना वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा, और जो मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया था उसको करोगे तो 100% सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपके पास एक पीसी होना चाहिए, और जो बैटरी ड्रेनिंग वाला इशू है उसको हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जो पार्ट 1 में मैंने बताया था उसमें वही मैंने किया है, जो बैटरी ड्रेनिंग वाला इशू है उसको मैंने जड़ से ख़त्म कर दिया है, तो उसको भी जाके देख लेना। और जहाँ तक बात है बोनस टिप की, तो पार्ट 2 में भी बोनस टिप था, तो इसमें भी होगा बोनस टिप, तो बोनस टिप यहाँ पे यही है कि भैया यूज़ फेसबुक लाइट एंड फेसबुक मैसेंजर लाइट। ठीक है, काफ़ी लोग ना फेसबुक मैसेंजर और फेसबुक की जो है ओरिजिनल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं फुल वर्जन वाला। ठीक है, आपको पता ही है ब्लू कलर का आता है फेसबुक ओरिजिनल ऐप और फेसबुक मैसेंजर ओरिजिनल फुल वर्जन, तो भाई वो जो है ना वो दोनों एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ही बैटरी लेता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, तो यार उनके जगह पे आप यूज़ करो फेसबुक लाइट और साथ में फेसबुक मैसेंजर लाइट। ठीक है, और हाँ अगर आपके पास ट्विटर का अकाउंट भी है तो आप ट्विटर लाइट को भी यूज़ करते हो, वैसे ट्विटर जो है उतना ज़्यादा बैटरी लेता नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप करोगे ट्विटर लाइट तो भी जो बैटरी है वो काफ़ी हद तक सेफ हो जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जितने भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो थर्ड पार्टी, उनके अगर लाइटर वेरियंट अवेलेबल है, लाइटर वर्जन अवेलेबल है, तो लाइट वर्जन को यूज़ करो, स्पेशली फेसबुक और फेसबुक मैसेंजर लाइट, और बाकी जो भी ऐप्स है स्पॉटीफाई वगैरह उसके भी लाइटर वर्जन आते हैं तो उसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उनमें फीचर्स ऑब्वियसली कम होते हैं। लेकिन अगर आपको बैटरी बचाना है तो भैया जो मैंने बताया वो करो, आपकी जो बैटरी ड्रेनिंग वाला इशू है वो
काफी हद तक तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उस ऑल वाले बटन पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, हमेशा स्मार्ट रहिए।